नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अगला पाठ सूरदास के पद, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से है। सूरदास के पद में सूरदास द्वारा रचित पद हम पढ़ेंगे। सूरदास जी भक्ति काल के सर्वोत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। भक्ति काल हमारा जो हिंदी का काव्य साहित्य है वो चार भागों में, चार कालों में विभाजित है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले आदिकाल, उसके बाद भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और आधुनिक काल जो अब चल रहा है। सबसे छोटा समय था रीतिकाल का और सबसे ज्यादा समय था भक्तिकाल का। भक्तिकाल को हम स्वर्णकाल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट काव्य रचना इसी समय में हुई थी। तो भक्तिकाल के सर्वोत्कृष्ट कवि माने जाते हैं ये। कृष्ण भक्त कवि हैं ये। इन्होंने अपनी सारी रचनाएं श्री कृष्ण से संबंधित ही की हैं। जैसे कि मैं बताऊं, काव्य साहित्य में भक्ति काल है, इसी तरह से जो भक्ति काल है वो भी दो भागों में विभाजित है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में वो कवि आते हैं जिन्होंने अपनी काव्य रचना ईश्वर के निराकार स्वरूप को मानकर की है, वो ईश्वर को किसी रूप और आकार में नहीं मानते हैं, ठीक है। और सगुण में, सगुण भक्ति शाखा जो है उसमें वे कवि, उन कवियों की रचनाएं आती हैं जिन्होंने अपने काव्य की रचना ईश्वर के किसी रूप, किसी आकार को कल्पना में रख करके की है। निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी कवि आते हैं। ज्ञानाश्रयी में जैसे कबीरदास हैं, रैदास हैं, दादू हैं, नानक हैं, जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया। प्रेमाश्रय में जिन्होंने प्रेम के माध्यम से, और इसमें ज्यादातर सूफी संत आते हैं। और सगुण भक्ति में, सगुण भक्ति के भी दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि सभी जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवि हैं मीराबाई और अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, सूरदास और भी बहुत अष्टछाप कवि सारे इस कृष्ण भक्ति शाखा में ही आते हैं। तो अष्टछाप कवियों में सर्वोत्तम कवि थे सूरदास जी। अब सूरदास जी के विषय में हम जानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के पास में हुआ था, सीही नाम में, सीही नामक स्थान पर 1478 में। और ये एक लंबी आयु इन्होंने जी थी, पूरा जीवन इनका था 105 वर्ष की अवस्था तक ये श्री कृष्ण भक्ति ही के पदों की रचना करते रहे और 1583 में इनकी मृत्यु हुई। तो जैसे ये मथुरा के गऊ घाट पर रहते थे और वहां पर अपना श्रीनाथ जी के मंदिर में अपना श्री कृष्ण के भजन गा करके, अपना भजन कीर्तन करके अपना जीवन बिता रहे थे। वहीं पर श्री वल्लभाचार्य जी से इनकी मुलाकात हुई, भेंट हुई और वल्लभाचार्य जी ने इनको दीक्षा दी और वल्लभाचार्य जी के आदेश को मानकर इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति काव्य का सृजन शुरू किया। और उन्होंने कहा कि इनकी जो काव्य का आधार है वो है श्रीमद् भागवत। तो भागवत पर आधारित इन्होंने श्री कृष्ण के श्री कृष्ण से संबंधित काव्य की रचनाएं की, पदों की रचनाएं की। तो करते करते लगभग लगभग एक सवा लाख पदों की रचना इन्होंने की हैं, लेकिन जब ढूंढा गया तो लगभग 7000 पद इनके मिले हैं जो कि इनके तीन ग्रंथों में समाहित हैं। इनके मुख्य रूप से तीन ग्रंथ हैं, सूर सागर, सूर सारावली और सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। मुख्य रूप से सूर सागर है, जिसमें से आपके जो पाठ में चार पद लिए गए हैं वो सूर सागर से ही लिए गए हैं। अब बात करें इनकी, हाँ, इनको कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। लेकिन कुछ लोग इस बात का खंडन भी करते हैं, वे इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि जो व्यक्ति जन्म से ही अंधा होगा, वो जो जिस तरह से इन्होंने श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन किया है, प्रकृति का इतना सजीव चित्रण किया है, तो कोई भी अंधा व्यक्ति जिसने जन्म से अंधा होगा तो उसने तो कोई भी रंग रूप देखा ही नहीं है संसार का,
तो वो इस तरह से इतना सजीव चित्रण कैसे कर सकता है। लेकिन माना यही जाता है कि वे जन्मांध थे और उन पर भगवान श्री कृष्ण की विशिष्ट कृपा थी, इसलिए वे ऐसा साहित्य लिख पाते थे। सूरदास जी की भाषा की हम बात करें तो इनकी शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है और बड़ी ही सरल और सहज है, जनमानस को समझ में आ जाती है। और इनके जो भाषा में, इनके जो साहित्य में कुछ विशिष्ट अलंकार हैं बहुत सरल, जैसे उपमा, अनुप्रास, वक्रोक्ति आदि। तो इस तरह से बहुत सरल पद हैं जो कि पढ़ते ही पढ़ते समझ में आ जाते हैं। तो अब चलते हैं हम कि सूरदास के ये जो पद हैं वो सूर सागर से लिए गए हैं। सूर सागर में एक खंड है भ्रमर गीत, ये वहां से उठाए गए हैं ये चार पद। भ्रमर गीत जैसे कि नाम से ही है, भ्रमर, भ्रमर मतलब भौरा। क्या होता है कि श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा जाते हैं तो गोकुलवासियों को वो बड़ा ढांढस बना के जाते हैं, उनको वचन दे करके जाते हैं कि मैं कुछ समय के बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन वहां जाकर वो राजनीति के चक्कर में फंस जाते हैं और वापस नहीं आ पाते और अपनी जगह उद्धव को भेज देते हैं, क्योंकि गोपियां उनके विरह में पागल हुई जा रही थी। और क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और वो ये आस लगाए बैठी थी उनके वचन को मान करके कि वो कृष्ण आएंगे और फिर हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे, लेकिन कृष्ण नहीं आ पाए तो उन्होंने उद्धव को भेजा कि जाओ गोपियों को जाकर के समझाओ कि वो मुझसे प्रेम करना छोड़ दें। और हाँ, क्योंकि उद्धव महाज्ञानी थे और अपने ज्ञान का उन्हें थोड़ा अभिमान भी था, दर्प भी था, जिसको घमंड कहते हैं हम। तो यहाँ उनको भेजने के पीछे भगवान कृष्ण का एक उद्देश्य ये भी था, उद्धव के दर्प को तोड़ना, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने यह कह के भेजा कि जाके गोपियों को शांत करो कि मेरी प्रतीक्षा ना करें और तुम उनको ज्ञान दो, योग की शिक्षा दो और उन्हें बताओ कि योग और ज्ञान से तुम मोक्ष पालोगी, श्री कृष्ण के प्रेम से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब यह सोच करके उद्धव कहते हैं कि इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और वो जब गोकुल आते हैं तो वहां बगीचे में गोपियां हैं और वो उद्धव भी हैं, तो उन्हें समझाते हैं, योग की शिक्षा देते हैं। जब उन्हें योग की शिक्षा देते हैं तो गोपियां तो कृष्ण के अलावा और कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में अतिथि देवो भव, क्योंकि उद्धव अतिथि थे उनके, तो उनसे वो कुछ भला बुरा नहीं कह सकती थी, लेकिन वो कृष्ण के अलावा कुछ और सुनना नहीं चाहती थी। तो तभी एक भौरा उड़ता हुआ वहां आता है, तो जिसको माध्यम बना करके वो उद्धव से सब कुछ कह डालती हैं जो भी वो कहना चाहती हैं। ठीक है, जैसे हमारे आपस में भी या समाज में हम देखते हैं कि जब दो लोगों का झगड़ा हो जाता है फिर बाद में भी एक दूसरे को कुछ कहना होता है तो आपस में ना कह के किसी तीसरे को माध्यम बना करके वो कह देता है, जिससे कि वो सामने वाला समझ भी जाता है और उसकी भी अपने मन की भड़ास निकल जाती है। तो इसी तरह से उन्होंने सीधे सीधे उद्धव से कुछ नहीं कहा, भौरे को माध्यम बनाकर अपने मन की पूरी बात उन्होंने भौरे से कह दी। और ये जो गोपियों ने कहा है इसमें गोपियों का और उद्धव का पूरा वार्तालाप है, उसी के चार पद आपके पाठ में हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैंने अभी प्रतिपाद्य बताया है, अब अगले भाग में हम पदों की व्याख्या देखेंगे। धन्यवाद।